हेलो गाइस, आई एम आशारिफ जावेद। सो आज का जो टॉपिक है वो है बाइसेप। आज की ये वीडियो बाइसेप से रिलेटेड होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाइसेप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा और उसके अलावा और भी मज़ीद बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप लोगों के बहुत काम आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आगे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाइसेप एक ऐसा मसल ग्रुप है जो हर लड़के को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, चाहे वो शर्ट पहना हुआ हो या टी शर्ट पहना हुआ हो, कुर्ता पजामा कुछ भी हो, ए टू जेड लड़के उसमें अट्रैक्टिव लगते ही हैं बाइसेप की वजह से। तो आज जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा वो ज़्यादा कोई हाई लेवल की नहीं होगी, लेकिन उससे आपको इतना बेनिफिट ज़रूर होगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस एंगल से, किस तरह से हम कौन से बाइसेप के कौन से मसल ग्रुप को, कौन से हेड को अच्छी तरह ट्रेन कर सकते हैं। बहुत से लड़के जिम जाते हैं, ट्रेन करते हैं, इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि वो बाइसेप के कौन से मसल को ट्रेन कर रहे हैं। हो सकता है वो खाली एक ही हेड को ट्रेन करते हैं और वो ये वाली बात भी कहते हैं कि इतने टाइम से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बाइसेप को अच्छी तरह ट्रेन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पीक नहीं बन रही या मेरी बॉल नहीं बन रही, बाइसेप की विड्थ नहीं आ रही। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज लगाते वक्त कि ये एक्सरसाइज मेरे कौन से हेड को ज़्यादा ट्रेन कर रही है, कौन से हेड को हिट कर रही है। तो चलिए गाइस जानते हैं कि किस तरह से कोई हेड किस तरीके से हिट किया जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बाइसेप के हमारे टू पार्ट्स ऑफ मसल्स होते हैं, एक होता है ब्राकियाई और एक होता है ब्राकियालिस। ब्राकियाई होता है हमारा ये वाला मसल और ब्राकियालिस होता है हमारा ये वाला मसल, इधर होता है दिस पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ब्राकियाई मसल की कि वो किस तरह से ट्रेन होता है, किस एंगल से उसे हम हिट कर सकते हैं। तो ये ब्राकियाई मसल है, इसके जो ब्राकियाई मसल के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट हेड दिस पार्ट जो बाइसेप विड्थ होती है बॉल जिससे बनती है, और एक होता है लॉन्ग हेड बाइसेप की पीक जो होती है जिससे बाइसेप की पीक बनती है, पीक डेवलप होती है। तो गाइस जब हम हमारी रिस्ट बाहर की तरफ होती हैं तो हम अपने ज़्यादा शॉर्ट हेड को ट्रेन करते हैं, और बाहर की तरफ रिस्ट होती है और एल्बोज अंदर की तरफ होती हैं तो हम अपने शॉर्ट हेड को ट्रेन करते हैं। जब हमारी रिस्ट और एल्बो एक ही लाइन में होती हैं इस तरह, तो हम अपने दोनों हेड्स को ज़्यादा ट्रेन करते हैं, और जब हमारी रिस्ट थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है, एल्बोज बाहर की तरफ होती हैं, तो हम अपना लॉन्ग हेड को ज़्यादा ट्रेन करते हैं। तो अब बात आती है हमारे ब्राकियालिस मसल की। तो ये किस तरह ट्रेन होता है, जब हम हैमर कर्ल्स लगाते हैं, ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन जब हम लगाते हैं तो हम अपने ब्राकियालिस मसल को ज़्यादा ट्रेन करते हैं। तो गाइस ये बाइसेप की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और टिप्स थी जो आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों को मालूम भी हो, लेकिन इस चैनल पे बिगनर्स भी हैं जिन्हें इस चीज़ के इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, तो मैंने ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज़ इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इससे बेनिफिट भी ज़रूर होगा, और गाइज़ इन टिप्स को आप अपने ट्रेनिंग में और एक्सरसाइज में शामिल करेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बेनिफिट होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।